कुछ दिनों पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और मैंने उसका मीनिंग बताया था चाहिए था, और मैंने वहाँ बताया था कि इस टॉपिक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कि पास्ट में यानी गुजरे हुए टाइम में किसी काम को करना चाहिए था लेकिन वो काम नहीं हुआ। तो बहुत सारे लर्नर जब इस वीडियो को देखते हैं तो एक कमेंट जरूर करते हैं, वे कहते हैं कि यहाँ शुड के बाद हैड आना चाहिए, यानी वे कहते हैं कि शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के जगह पर शुड हैड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, जबकि ऐसा सोचना सरासर गलत है। आइए यहाँ पर मैं आपको दो बात बता दूं जिसे आप अच्छे से याद कर लें ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। पहली बात है हैव और हैज से। जैसा कि आप जानते हैं जब हम कोई चीज रखने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम हैव या हैज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। अब इस सेंटेंस को जब हम फ्यूचर में बोलते हैं कि मेरे पास एक कलम होगा तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा आई विल हैव अ पेन, यानी आपके सेंटेंस में हैव के पहले विल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ उसके पास एक कलम है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैज अ पेन। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं फ्यूचर में बोलूँ उसके पास एक कलम होगा तो इसका सही ट्रांसलेशन होगा ही विल हैव अ पेन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने विल के बाद बोला है। तो बहुत सारे लर्नर यहाँ पूछते हैं कि विल के बाद हैज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शैल या विल के बाद कभी भी हैज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी शैल या विल के बाद किसी भी सूरत में आप हैज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप सिर्फ हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि मैंने करके दिखाया है। और दूसरी बात ये कि किसी भी मॉडल वर्ब के बाद यानी शुड कैन कुड मे माइट किसी भी मॉडल के बाद कभी भी हैड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके दिल में ये दो बात है कि शैल विल के बाद हैज लिखा जाता है तो आप इसे आज ही खत्म कर दें। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि किसी भी मॉडल वर्ब के बाद आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर आज से आपको यह ख्याल दिमाग से निकालना पड़ेगा। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिया है ताकि आप समझ सके कौन वाला एग्जाम्पल सही है और कौन वाला एग्जाम्पल गलत है। आइए अब हाउ टू का इस्तेमाल सीख लें। जब कभी भी हमें अपने लाइफ में इस तरह का सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं कि किसी इंसान के अंदर कोई हुनर है, कोई काबिलियत है या कोई टैलेंट है, यानी वो इंसान इस चीज को करना जानता है, तो वहां हम हाउ टू का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ मैं इंग्लिश पढ़ाना जानता हूँ तो यहाँ मेरे कहने का सेंस है कि इंग्लिश पढ़ाना एक कला है, एक आर्ट है, एक टैलेंट है जो मुझे पता है। तो अगर इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो मैं कहूंगा आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश पढ़ाना जानता हूँ। मान लीजिए अगर कोई कहे मैं खाना पकाना जानता हूँ या मैं तैरना जानता हूँ, मैं पैसा कमाना जानता हूँ, मैं लोगों को बेवकूफ बनाना जानता हूँ, तो इन सभी सेंटेंसेज में सब्जेक्ट ये बताना चाह रहा है कि उसके पास कोई खास टैलेंट है, यानी उसके पास इन सभी कामों का हुनर है और वह इसे कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं तैरना जानता हूँ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई नो हाउ टू स्विम। अगर आपको कहना हो मैं खाना पकाना जानता हूँ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई नो हाउ टू कुक। मैं गेंदबाजी करना जानता हूँ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई नो हाउ टू बोल, यानी मैं गेंदबाजी करना जानता हूँ। तो फ्रेंड्स जब कभी भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहें कोई आदमी किसी काम को करना जानता है, यानी वो काम करने के लिए उसके पास हुनर है, काबिलियत है, टैलेंट है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप हाउ टू का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।